गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हमने कुछ ड्रग और उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी। जो ड्रग लगातार एग्जाम में पूछी गई हैं या बार बार एग्जाम में आती हैं, वही ड्रग हमने वहाँ पर कवर की थी। और जो भी इम्पॉर्टेंट ड्रग हमें लगेगी इसके अलावा, तो हम वो आपको आगे बताते चलेंगे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो इस सेशन में ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट हमें लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम आपको आगे नोट करा देंगे। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आपको हमारी जितनी भी वीडियो आने वाली हैं जी पेड एंड फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको उसकी अपडेट मिल सके। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फार्माकोलॉजी में रूट एंड देयर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आगे का पार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है वो है ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसडर्मल मीन्स होता क्या है। ट्रांसडर्मल और इंट्राडर्मल, ये दो सिमिलर वर्ड है। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इंट्राडर्मल है वो इंजेक्शन फॉर्म में हमारी डर्मिस लेयर के अंदर दिया जाता है उसको, और ट्रांसडर्मल जो है वो पैचेस के फॉर्म में अटैच किया जाता है स्किन के ऊपर। लाइक हमारा जो बैंडेज रहता है उसी फॉर्म में पैचेस रहती हैं। पैचेस को स्किन के ऊपर अटैच किया जाता है, उसमें हमारा ड्रग रहता है। वो ड्रग धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही वो स्किन में डिलीवर होगा स्किन के पोर्स के थ्रू, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वहाँ से ड्रग जो है अपना एक्शन शुरू कर देगा। तो ये तो हो गई ट्रांसडर्मल की बात। इसमें ड्रग देख लेते हैं। इसमें तीन ही ड्रग आती हैं। फर्स्ट इज़ निकोटीन, सेकेंड इज़ पेंटेनाइल एंड थर्ड इज़ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हमने सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, वहाँ पे भी नाइट्रोग्लिसरीन थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन को हम कौन कौन से रूट से एडमिनिस्टर्ड करा सकते हैं बॉडी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज सबलिंगुअल एंड सेकेंड इज ट्रांसडर्मल। यहाँ पे ये तीन ड्रग हैं आपकी। अब ट्रिक भी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे साइड में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नहीं लिखा था, देखिए मैम आप लिख दिया करो साइड में, ताकि जिनका छूट जाता है वो भी लिख ले। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रांसडर्मल की ट्रिक है ट्रांस नी फैंट्रो। अब यहाँ इसको देखिएगा थोड़ा सा कि ट्रांसडर्मल में ट्रिक क्या होगी। ट्रांस नी फेंट्रो, ट्रो से याद रखना ये नाइट्रो है ना, नाइट्रो। नी से आएगा निकोटीन, फैन से आएगा फेंटेनाइल एंड ट्रो से आएगा नाइट्रोग्लिसरीन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ट्रिक है ट्रांस नी फेंट्रो। ट्रांस नी फेंट्रो, ट्रांस यानी ट्रांसडर्मल, नी यानी निकोटीन, फैन यानी फेंटेनाइल एंड हमारा ट्रो यानी नाइट्रोग्लिसरीन। इसमें जो इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है आपकी फेंटेनाइल, फेंटेनाइल एंड सेकेंड इज नाइट्रोग्लिसरीन। तो आप तीनों ही ड्रग याद कर लेना, निकोटीन इतना पूछते नहीं है, बट एक ही ड्रग बच रही है तो तीनों ड्रग याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड इज इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस, इंट्रावेनस यानी कि ये इंजेक्शन जो दिया जाता है वो वेन में दिया जाता है। बट आपको ये बताना है कि वेन में दिया तो जाता है, बट कौन सी वेन है, उसका नाम क्या है। इसका आंसर जब तक आप सोचो, वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दूंगी। यहाँ पे देखिए इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस में जो ड्रग है वो है लिग्नोकेन, सेफ्टिक्सिम, प्रोकेन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ड्रग है, जो स्टार लगाने लायक ड्रग है, वो है आपके लिग्नोकैन। लिग्नोकैन कोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट है। इसकी केमिस्ट्री कई बार एग्जाम में आई है, चाहे वो जीपेट के एग्ज़ाम हो
या फिर गवर्नमेंट एग्जाम हो। लिग्नोकैन को तीन नामों से पूछा जाता है, लिग्नोकैन, जाइलोकैन एंड लिडोकैन। मोस्टली बच्चों को लिग्नोकैन लिडोकैन तो पता रहता है, सिमिलर सिमिलर हो जाता है, बट जाइलोकैन बहुत कम बच्चों को पता रहता है। जो अच्छे से स्टडी करते हैं उन लोगों को पता रहता है जाइलोकैन भी लिग्नोकैन को ही बोलते हैं, और इसको जनरली हम केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है जाइलोकैन। कोलॉजी में नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा, केमिस्ट्री में जाइलोकैन के नाम से ही इस ड्रग को जाना जाता है। फिर देखते हैं सेफिक्टिक्सिम एंड प्रोकैन। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए, जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वैन पे, फिर लिक पे, सेफ पे एंड देन प्रो पे। इसकी ट्रिक देख लीजिए साइड में, ट्रिक है वैन लैग सेफ प्रोकैन, यानी वैन में लग गई है और साफ कर रहे हैं प्रोकैन से। वैन में लग गई है, साफ कर रहे हैं प्रोकैन से। वैन से आता है इंट्रावेनस, लग से आता है लिग्नोकैन, लिडोकैन भी बोल सकते हैं आप, साफ से आता है सेफिक्टिज़िम एंड प्रो से प्रोकेन का प्रोकेन ही रहेगा। ये हमारा इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबक्यूटेनियस हमारी लास्ट कैटेगरी है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सबक्यूटेनियस में एक ही ड्रग आती है, वो होती है इंसुलिन, जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है। अब सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये किस स्किन की किस लेयर में दिया जाता है, तो सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है। इसकी ट्रिक, जिनको एक ड्रग के लिए भी ट्रिक चाहिए, तो मैंने लिखा हुआ है साइड में कि क्यूट इंसू, क्यूट से सबक्यूटेनियस, इंसू से इंसुलिन। यहाँ पे हमारा ड्रग एंड देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं कुछ इंजेक्शंस लेके आऊँगी, जिनका मैं एंगल भी बताऊँगी, साथ में वो कौन सी लेयर में दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, मैं वो डायग्राम लेके आई हुई हूँ, इसमें क्लियरली मेंशन है सब चीज़ें, कौन सी लेयर में हम इंजेक्शन देंगे, कौन सा इंजेक्शन कितने डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बाद आपको दिया भी हुआ है पर्टिकुलर नाम के साथ, इसमें डोज नहीं दिया हुआ है, डोज मैं आपको अलग से बताऊंगी। अगर अभी बता दूंगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इंट्रा मस्कुलर, देन सबक्यूटेनियस, थर्ड इज इंट्रावेनस एंड देन इंट्राड्रमल। ये चार ही इंजेक्शन्स होते हैं जिनके एंगल पूछे जाते हैं। ये स्किन के लेयर दी हुई हैं नीचे, इपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल्स। स्किन के सबसे ऊपर के लेयर सबको पता है इपिडर्मिस, उसके नीचे हमारा डर्मिस लेयर होती है, फिर सबक्यूटेनियस होती है एंड देन मसल्स। यहाँ पे इंट्रा मस्कुलर है, वो सबसे ज़्यादा एंगल गेन करता है, 90 डिग्री का एंगल होता है इसका, स्ट्रेट दिया जाता है बिल्कुल। और ये कहाँ पे लगा जाता है, इंट्रा मस्कुलर है, ऑब्वियसली बात है मसल्स में देंगे। देन हमारा है सबक्यूटेनियस। यहाँ पे एक चीज़ और है, इंट्रा मस्कुलर जो इंजेक्शन्स होते हैं ना, वो मोस्टली क्या मतलब, सारी जो हैं ऑयली इंजेक्शन्स दिए जाते हैं मसल्स में इंट्रामस्कुलर के थ्रू, जितने भी ऑयली इंजेक्शन हैं वो सब प्रेफर करेंगे। फिर आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में इंसुलिन का इंजेक्शन अभी हमने पढ़ा था, बट सबक्यूटेनियस में एंगल कितने का बनता है, तो याद रखना क्यूट इंसू तो हमने पढ़ा था पिछले उसमें, तो क्यूट इंसू के आगे कर लेना, क्यूट इंसू कितने साल का है, 45 का, तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री का इसका एंगल कंप्लीट हो गया। अब ये कौन सी लेयर में लगता है, सबक्यूटेनियस लेयर में लगता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगता है ना। इसके बाद आता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस जो है आईवी बोला जाता है जिसको, ये वेन में लगता है इपिडर्मिस के नीचे, डर्मिस लेयर में जो वेन होती है वहाँ पे ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। ये 25 डिग्री का एंगल बनाता है, याद रखना ये इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईवी से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि कौन सी वेन में लगता है, वेन में तो लगता है,
आईवी वेन में लगता है, बट कौन सी वेन में लगता है? तो इसका आंसर है क्यूबॉइटल वेन में लगता है। ठीक है, ये क्यूबॉइटल वेन में लगता है। अब लास्ट देख लेते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो टीवी में जो इंजेक्शन लगता है वीसीजी, वीसीजी हम आईडी के थ्रू ही देते हैं, इंट्राडर्मल ही देते हैं, और ये स्किन के डर्मिस लेयर में लगता है। अब इसका एंगल कितना होता है? 10 to 15 डिग्री इसका एंगल होता है। अब यहाँ पे वीसीजी की बात आई है तो हम बता दें वीसीजी का फुल फॉर्म होता है वेसिलस काल्मेट क्यूरिन, और वीसीजी टीवी में दिया जाता है ट्यूबरोक्लोसिस में। जो ट्यूबरोक्लोसिस है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? तो ट्यूबरोक्लोसिस हमारा आज का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लेयर्स एंड किन लेयर में कौन सा इंजेक्शन लगता है और वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर बस इतना ही था। इसके बाद हम जो भी वीडियो कॉलोजी की कंटिन्यू करेंगे वो हम आपको ग्रुप में बता देंगे, या अगर आपका कोई इंटरेस्टेड टॉपिक हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो या आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने अपने घरों में रहिए, क्योंकि सभी जगह क्वारंटाइन चल रहा है, तो स्टे होम स्टे सेफ, घर से बाहर मत निकलिए, अपनी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ठीक है, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।